स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कुछ लोगों पर तिरंगे का अपमान करने का आरोप लगाया है। मामले में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एक राष्ट्रीय पार्टी का पुतला दहन कर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि टोल प्लाजा के मामले को लेकर कुछ लोगों के द्वारा विगत दिवस विधानसभा अध्यक्ष के कैंप कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की गई। इस दौरान भीड़ में शामिल हुए कुछ लोगों ने तिरंगे का अपमान किया था, जिसे युवा मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगा। युवा मोर्चा ने सरकार से तिरंगे का अपमान करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लगातार कांग्रेस आक्रामक होकर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। अभी नेपाली फर्म के पास टोल प्लाजा के मामले में विधानसभा अध्यक्ष को घेरने का मुद्दा शांत भी नहीं हुआ था कि अब कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष को कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने कोतवाली ऋषिकेश में विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ तहरीर देकर गैर इरादतन हत्या के आरोप में मुकदमा पंजीकृत करने की मांग की है। तहरीर में कहा गया कि विधानसभा अध्यक्ष ने कुछ समय पहले कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करते हुए रायवाला स्थित एक रिसॉर्ट में सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा कर ली, जिसके बाद से ही क्षेत्र में लगातार कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ने लगा। वही विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के इस कदम को लाश पर राजनीति करना बताया है। उन्होंने कहा कि ये बात इन लोगों को 2 महीने बाद याद आई, मेरे खिलाफ मुकदमा करना चाहते हैं तो खुशी से करें। इन लोगों में मेरे कार्यालय को घेरने के लिए बस्तियों से लोगों को बुलाया और वो लोग नहीं आए, सिर्फ 60-70 लोग आए थे। नशे से ग्रस्त युवा पीढ़ी, जिसके वजह से बहुत से माँ बाप ने अपने जवान बच्चों को मौत के आगोश में तड़प तड़प कर मरते हुए देखा, वहीं न जाने कितने ही युवाओं ने नशे की लत की वजह से चोरी का रास्ता अख्तियार कर लिया है, जिसके चलते आए दिन चोरी की घटनाओं में इजाफा देखने के लिए मिल रहा है। अगर देखा जाए तो बच्चों के इन हालात के पीछे माँ बाप जिम्मेदार हैं, खासकर माँ का विशेष रोल होता है। अपने बच्चों की सभी गलतियों को अनदेखा करती है और उनकी गलतियों पर पर्दा डालती है, जिस वजह से बच्चों का हौसला बुलंद होता है। वहीं आपको बता दें कि हरिद्वार जिले में बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर जिलाधिकारी सी रविशंकर ने नशे के कारोबारी के खिलाफ शिकंजा कसते हुए कहा है कि कोई व्यक्ति किसी भी तरह का नशा व्यापार या नशाखोरी करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग के कीर्तिनगर विकास खंड के अलकनंदा ठेकेदार एसोसिएशन ने आज कीर्तिनगर उप जिलाधिकारी कार्यालय सहित पीडब्ल्यूडी के कार्यालय के का घेराव कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि सरकार उनसे उनका रोजगार छीन कर बड़ी कंपनियों को ठेका दे रही है, इसके चलते उनके सामने परिवार चलाने का संकट खड़ा हो गया है। SDM कीर्तिनगर अजय वीर सिंह को ठेकेदार संघ ने मुख्यमंत्री और सचिव के लिए ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन में ठेकेदार संघ की मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए कहा गया और साथ ही कहा गया कि यदि इन मांगों पर सरकार द्वारा विचार नहीं किया जाएगा तो इस विधानसभा चुनाव में उसका नतीजा देखने के लिए सरकार को मिलेगा। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।